यूं तो बारिश हर किसी के लिए अच्छी होती है, लेकिन कई बार यही बारिश आफत बन जाती है। कभी कभी इन बारिश के साथ आई समस्याओं को देखकर मन और भी परेशान हो जाता है। कहानी हल्की सी बारिश भी लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। ऐसा ही मामला शहडोल जिले से आया है, जहां हल्की सी बारिश हुई नहीं कि परेशानी शुरू हो गई। बता दें कि जिले में थोड़ी सी बारिश के बाद सरकारी स्कूल में पानी भर गया, जिस स्कूल भवन परिसर पूरा तालाब में तब्दील हो गया। स्कूल में बारिश और नगर का गंदा पानी भर गया। बच्चे घुटनों तक पानी में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर है। स्कूल में पानी भरने की वजह से जहरीली जीव जंतु क्लास में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे बच्चों की जान भी जोखिम में पड़ सकती है। यह मामला शहडोल जिले के बुढ़ार ब्लॉक के कम राइस स्कूल की है। इसकी तस्वीर देखकर आप भी कहेंगे कि यह स्कूल है या स्विमिंग पूल। आदिवासी बहुमूल्य शहडोल जिले बुढ़ार ब्लॉक में स्थित के सीएम राइस स्कूल की हालात बद से बदतर हो गई है। यहाँ कुछ देर की बारिश में ही स्कूल तालाब और नाले में तब्दील हो जाता है। छात्र छात्राओं को पानी में होकर स्कूल जाना पड़ता है, जिससे उनके यूनिफॉर्म और जूते, साथ में किताब कॉपी भी भीग जाते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे लगन से परेशानियों का सामना करते हुए भी पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में भरे पानी के चलते न केवल छात्रों को परेशानी हो रही है, बल्कि शिक्षकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल स्कूल से लगी नालियों में मलबा भरा हुआ है, जिसके चलते नगर का पूरा पानी और नाली का पानी व बारिश का पानी स्कूल में परिसर में भर गया है, जिससे स्कूल की हालात तालाब में भरे पानी जैसा निर्मित हो गया है। बारिश के चलते स्कूल में भरे पानी से इजाद पाने के लिए छात्राओं ने सीएम साहब से गुहार लगाते हुए कहा कि वो पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनके शिक्षा विभाग में बारिश का भरा पानी आड़े आ रहा है। बता दें कि इस स्कूल में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं संचालित है। स्कूल में 900 से अधिक छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बात करें शिक्षकों की, तो स्कूल 33 शिक्षक यहां छात्रों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में आदिवासी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर आनंद रॉय सिन्हा का कहना है कि पुरानी बिल्डिंग में स्कूल संचालित है, जल्द ही नई बिल्डिंग में स्कूल संचालित हो जाएगी, जिससे इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। फिलहाल नगर पालिका को बोलकर स्कूल में भरे पानी से निकलवाया जाएगा, जिससे स्कूल की समस्या का समाधान किया जा रहा है। मेरे पास फोन आया था, मैंने संज्ञान लिया, मैं बीओ को लगा रहा हूँ। मैं बीओ एक्चुअली कल छुट्टी पे थे, उनके ब्रदर की तबीयत बहुत खराब थी, अभी उनका फोन आउट ऑफ रेंज आ रहा है। जैसी बात होती है मैं कहूँगा जाओ, तुरंत जाइए, आप नगर पालिका में कोऑर्डिनेट कीजिए और पानी निकलवाने की व्यवस्था कराइए। प्रिंसिपल को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ मैं, और जितनी जल्दी हो सकेगा इस रिजॉल्व करूंगा। सीएम राइज की नई बिल्डिंग एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो पुराना एग्जिस्टिंग स्कूल था उत्कृष्ट विद्यालय, उसी में सीएम राइज हम लोग चला रहे हैं, और ये बिल्डिंग 1-2 साल 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। जो प्रॉब्लम पर अभी जो प्रॉब्लम है, दैट इज सीवियर प्रॉब्लम, तो इसके लिए इंस्टेंट इसके रिड्रेसल के लिए बीओ को मैं कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ। एंड वेरी सून आई विल टॉक टू हिम, आई विल कॉल हिम। मैंने घर से अगर होंगे तो बुलवा लूंगा मैं, और मैं सीएमओ से उनकी बात करवाऊंगा, कोऑर्डिनेट करेंगे वो। मैं कोशिश करूंगा कि नगर पालिका अध्यक्ष से ही मेरी बात हो जाए सर, अर्ली इसका एक रिजोल्यूशन निकले। मैं सीएम विद्यालय बुढ़ार प्राचार्य बोल रही हूँ। जब तेज बारिश होती है तो हमारे विद्यालय में जो पानी भर रहा है, वो पानी जो है बाहर सड़क और नालियों का पानी ही मेन गेट से अंदर घुस रहा है। हमने तो पूरी व्यवस्था कर रखी है विद्यालय में कि नालियों के द्वारा जो बारिश का पानी है वो निकल रहा है, किंतु अभी कुछ दिनों से नाली का पानी और बाहर के बारिश रोड का पानी विद्यालय में घुस रहा है, उसके कारण हमारी क्लासेस अव्यवस्थित हो गई है। हाँ, पानी में सांप, जहरीले कीड़े मकोड़े भी तैरते हुए नजर आए, जो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। इस पानी से आपको मुख्य तरफ क्या परेशानी हो रही है? मुख्य परेशानी हो रही है, हमारी पढ़ाई पूरी ठप है, क्योंकि बच्चे टीचर दूसरी क्लास में नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों की क्लास दूसरी कक्ष रूप में है, वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, कक्षों में भी पानी भर गया है। ये पानी से होकर जाना पड़ता है? बिल्कुल, अभी तो जा रहे हैं, लेकिन एक आध घंटे में ये पानी हमारे द्वारा जो नाली बनाई गई उससे निकल जाएगा। इसको लेकर के आपने संबंधित विभाग को कभी अवगत कराया है? लेकिन जी, अभी हमने पत्र लिखा है, और इसके पहले भी हम फोन द्वारा कई बार सूचित कर चुके हैं अपने नगर पालिका को। तो मेरा शुभ नाम देवरा पांडे। मेरा नाम आंचल केवट है, मैं कल से 11वीं में अध्ययन कर रही हूँ। मेरे स्कूल का नाम सीएम राइस स्कूल है, और इस स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन हर साल पानी गिरने के कारण
हमारे स्कूल में पानी भर जाता है जिससे हमें पढ़ाई में कठिनाई होती है। क्लास ग्राउंड में आने में पूरा जूता उतार कर जाना पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं कितना पानी गिरा है और इसकी वजह से मैं क्लास में चला गया है और अभी अभी साफ भी आया था। और क्या परेशानी होती है आप लोग की बारिश? बाहर से जो गेट के बाहर जो नाली है वहाँ का भी पानी हमारे ग्राउंड में ही आता है और ग्राउंड में ज्यादा पानी होने का हमारे क्लास में चला जाता है। मेरा नाम क्रांति ध्रुव है, क्लास 11 की हूँ। हमारे स्कूल का नाम सीएम राइज स्कूल उधार और यहाँ भी 10 मिनट पहले ही बारिश हुआ है जिससे क्लास में पानी भर जाता है और हम लोग की पढ़ाई में दिक्कत जाती है और कभी कभी गिर भी जाते हैं तो ड्रेस भी गीली हो जाती है, बहुत दिक्कत आती है। ये पानी कहाँ भरा हुआ है? तालाब जैसे भर गया है यहाँ पूरा ग्राउंड में और गेट के बाहर जो नाली है उसके बाहर से भी आता है पानी, पूरा ग्राउंड में भर जाता है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सरकार से यही मांग है कि हमारी स्कूल में जो दिक्कत है उसको सुधार करवाए।